इस बार ऑक्शन के लिए सभी टीमों का पर्स 120 करोड़ रुपए है, जिसमें से टीमों ने कुछ पैसे खिलाड़ियों को रिटेन करने में खर्च किए हैं। ऐसे में वो अब बचे हुए पर्स के साथ ऑक्शन में खरीदारी करेंगी। पंजाब किंग्स के पास सबसे बड़ा पर्स है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो खिलाड़ियों को ही रिटेन किया। वो 110.5 करोड़ रुपए के साथ ऑक्शन में आएगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 83 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स गुजरात टाइटंस के पास 69 करोड़ और चेन्नई सुपर किंग्स के पास 55 करोड़ रुपए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 51 करोड़, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 45 करोड़ रुपए हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास 41 करोड़ रुपए का पर्स बाकी है। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन की शुरुआत मार्की प्लेयर सेट से होगी। इस बार दो मार्की प्लेयर सेट बनाए गए हैं। मार्की खिलाड़ियों के पहले सेट में जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और मिचेल स्टार्क के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरे सेट में युजवेंद्र चहल, लियाम लिविंगस्टन, डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को रखा गया है। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से दूर हुए लगभग काफी समय हो गया। उन्हें आखिरी बार भारत की जर्सी में अगस्त 2024 में देखा गया था। भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा लगातार नजरअंदाज होने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट का रुख किया और विस्फोटक प्रदर्शन जारी रखा है। अब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले, कुछ ही घंटे पहले, ताबड़तोड़ शतक उन्होंने जड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने अपनी कीमत पर कई गुना दाम जो है अपना बढ़ा लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई और गोवा का सामना हो रहा था। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और गेंदबाजों की क्लास लगाना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्के चौकों की झड़ी लगाई। महज 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। 299 की स्ट्राइक रेट से 55 गेंदों में 126 रन बनाए। इस दौरान 10 चौके और 10 छक्के उनके बल्ले से निकले। श्रेयस अय्यर के शतक के बूते मुंबई ने स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन टांग दिए। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। बीसीसीआई ने संदिग्ध एक्शन वाले गेंदबाजों की लिस्ट जारी की है, जिसके तहत कुछ खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने से जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, उन पर बैन लगा दिया गया है। वहीं 3 खिलाड़ियों पर बैन लगने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। मनीष पांडे को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। वहीं श्रीजीत कृष्णन भी अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी बीसीसीआई ने बैन कर दिया है। ये दोनों ही खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का हिस्सा हैं। जॉस बटलर तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर मैच में बल्ले से धमाका कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से ठीक पहले इंग्लैंड के इस स्टार ओपनर के लिए ये खबर भी अच्छी है। बटलर का बल्ला इन दिनों अबू धाबी T10 लीग में काफी रन उगल रहा है। वो इस लीग के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अबू धाबी T10 की टीम डेक्कन ग्लैडिएटर्स की ओर से खेलते हुए जॉस बटलर ने 24 गेंदों में 62 रन की पारी कुछ दिन पहले खेली थी और अब दोबारा 22 गेंदों में 60 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। इस तरह बटलर ने 2 मैचों में 46 गेंद का सामना करते हुए 265 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 122 रन बना दिए। 12 छक्के इसमें शामिल हैं। अब आईपीएल ऑक्शन कुछ ही घंटों बाद होने वाला है, ऐसे में उन पर पैसों की बारिश दिखती तय नजर आ रही है। जॉस बटलर ने आईपीएल ऑक्शन के लिए अपनी बेस प्राइस को 2 करोड़ रुपए रखा है और उनकी जो बोली है वो सेट 1 में ही लगाई जाएगी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच दिया। उन्होंने पर्थ में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले मैच में 5 विकेट झटक कर कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जैसे ही 5 विकेट पूरे किए, वैसे ही वो सेना देशों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन गए। भारतीय तेज गेंदबाज ने यहां महान कपिल देव की बराबरी की। अब दोनों खिलाड़ियों के नाम सेना देशों में 8 बार 5 विकेट हॉल यानी कि एक पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पर्थ टेस्ट में मिचेल स्टार्क और भारतीय पेसर हर्षित राणा के बीच तकरार देखने को मिली, जहां स्टार्क ने पहले हर्षित राणा को हल्की सी धमकी दी और फिर भारतीय पेसर ने भी जोरदार जवाब दिया। दूसरे दिन की शुरुआत में 2 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया को सिर्फ 1 विकेट की तलाश थी और क्रीज पर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड थे। हर्षित राणा ने दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर बाउंसर का हमला बोलना शुरू किया। ऐसे में गेंद स्टार्क जैसे खिलाड़ी को भी परेशान करने लगी, जो खुद अपनी गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों को तकलीफ देते आए हैं। कुछ शॉर्ट गेंदों के बाद स्टार्क ने सीधा हर्षित राणा के पास जाकर उन्हें प्यार भरे अंदाज में धमकाने की कोशिश की। हर्षित को याद दिलाते हुए कहा कि मैं तुमसे भी ज्यादा तेज गेंदबाजी कर सकता हूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। हर्षित राणा ने शॉर्ट पिच गेंदों का हमला जो है वो जारी रखा। एक गेंद स्टार्क के हेलमेट पर लगी, इसके बाद काफी देर तक फिजियो ने स्टार्क की जांच की और उनका हेलमेट बदलना पड़ा। काफी देर तक भारतीय टीम को आखिरी विकेट नहीं मिला तो हर्षित राणा को दोबारा बुलाया गया और सिर्फ 2 गेंद के अंदर ही उन्होंने स्टार्क को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर ढेर कर दिया।
साउथ अफ्रीका सीरीज में लगातार दो शतक जमाने के बाद तिलक वर्मा ने अब लगातार तीसरे T20I में भी शतक जमा दिया। तिलक वर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले ही मैच में रिकॉर्ड तोड़ शतक जड़ दिया है। साउथ अफ्रीका दौरे पर कुछ ही दिन पहले तिलक वर्मा ने लगातार दो T20 मैच में शतक जमकर इतिहास रच दिया था। वैसा करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने थे और सबसे युवा भारतीय बने थे। अपनी इसी शानदार फॉर्म को तिलक ने अब घरेलू T20 टूर्नामेंट में जारी रखा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद की कप्तानी कर रहे तिलक वर्मा ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में मेघालय के खिलाफ 67 गेंदों में 151 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी, इतिहास रच दिया। इसके साथ ही तिलक T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने लगातार दो मैचों में दो शतक लगाया था। तिलक वर्मा ने इसके अलावा भी कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए। उनके 151 रन इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी का भी एक नया रिकॉर्ड है। तिलक ने इस मामले में श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2019 में 147 रन की पारी खेली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर अंतिम फैसला लेने के लिए इमरजेंसी मीटिंग करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ICC इस टूर्नामेंट के भविष्य पर फैसला सुनाने वाली है। इस बैठक में दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे जो इस बार टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा BCCI भी बैठक में उपलब्ध रहेगी। ICC ये मीटिंग मंगलवार 26 नवंबर को करने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तकरार के कारण ही चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा 100 दिन पहले होनी थी।